हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले ये माइनस आई यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपन इस माइनस आई इफेक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अपन देख सकते हैं कि माइनस आई कहाँ से आया, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर एटम। किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो फिर से बोलता हूं मैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और बात करते हैं इसकी, और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमेशा क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा शिफ्ट होते हैं या वो हमेशा डिस्प्लेस होते हैं। तो इससे क्या बोल सकता हूं मैं कि ये हमेशा किस में होगा, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में होगा। और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो जो डिस्टेंस एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपन एग्जांपल देखते हैं इसका। तो अपन देख सकते हैं अपने पास तीन कार्बन की चेन है और अपने पास एक एफ फ्लोरीन अपने पास तीन कार्बन से बाउंड है इस चेन के अंदर। तो अपन देख सकते हैं जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस फ्लोरीन का सबसे अधिक इफेक्ट होगा इस सी पे, उससे कम इसका इफेक्ट होगा इस सी पे, और सबसे कम इफेक्ट होगा इस सी पे। मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रो ये फ्लोरीन इस कार्बन से कर पाएगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रो। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी, जो जो कार्बन की डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम विड्रो कर पाएगा जो लास्ट वाला कार्बन होगा उससे। तो मैं क्या बोल सकता हूं इससे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस। मतलब जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी इस ग्रुप से उस एटम की, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन से अपन ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं, प्लस आई इफेक्ट में वो ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैपेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के अंदर कौन सी ग्रुप इंक्लूड करेंगे, जिन ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है, उस ग्रुप को अपन इंक्लूड करेंगे माइनस आई इफेक्ट के अंदर। आई बात समझ में। तो ये नटशेल हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का। तो आप देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो आज अपन माइनस आई इफेक्ट के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपन ने एक सीरीज को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अपन उसको लर्न करने की ट्रिक समझेंगे। आपको बात समझ में आई अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो अपन माइनस आई इफेक्ट जो होता है उसके अंदर जो ग्रुप्स इंक्लूड है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे एक अपन ने सीरीज में अरेंज किया है, उसकी ट्रेंड या उसकी ट्रेंड का ट्रिक अपन याद करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली जो सीरीज अपने पास, वो अपने पास सीरीज आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो सीरीज के अंदर क्या है कि सबसे हाई कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की NR3 प्लस पे, उससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी होती है NS3 पे, NS3 पॉजिटिव पे, उससे कम होती है नाइट्रो पे, और नाइट्रो से कम होती है CN पे, CN से कम होती है एल्डिहाइड कीटोन पे कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, और एल्डिहाइड कीटोन से कम कैपेबिलिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और अपन जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस सीरीज को अरेंज किया अपन ने किस बेसिस पे, कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और Cl की होती है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जो डिक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो साइड वाला एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन विड्रो करने की टेंडेंसी क्या होगी, उस ग्रुप की डिक्रीज होगी। समझ रहे हो, मतलब जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। और बात करते हैं जब इससे कार्बन अटैच्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 के लमसम, और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। तो जो फ्लोरीन है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉ कर पाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3,
3 के लमसम, और बात करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, जो कि इस Cl से अटैच्ड है, तो वो C से ये Cl इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू जब फ्लोरीन था उसके कंपैरिजन में ये Cl धीरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा इसके कंपेयर में, मतलब जब CF और CCl अटैच था उसके कंपेयर में यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज डेल्टा En कम होगा एज कंपेयर टू जब C अटैच था इस F से, तो डेल्टा En CF के केस में क्या आएगा 4-2.5 दैट इज 1.5, और बात करते हैं कि CCl के केस में डेल्टा En कितना आएगा दैट इज 3-2.5 दैट इज 0.5, तो डेल्टा ई एन जो देख रहे हैं अपन, डेल्टा ई एन का डिफरेंस सी एफ में ज्यादा है एज कंपेयर टू सी सी एल, इसलिए अपन ने इस ट्रेंड को इस तरह से अरेंज किया कि एफ जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है ज्यादा एज कंपेयर टू सी एल, तो एफ का ज्यादा हुआ सी एल से, सी एल का ज्यादा हुआ बी आर से, बी आर का ज्यादा हुआ आई से, और आई के बाद आएगा ईथर, ईथर से कम होता है एल्कोहल का, एल्कोहल से कम होता है इथाइन का, इथाइन से कम होता है अमाइन का, अमाइन से कम होता है बेंजीन का, बेंजीन से कम होता है इथीन का, आई बात समझ में आपको। तो अपन बात करते हैं इस पूरी सीरीज को अपन एज इट इज इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे याद करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो होती है कि कौन सा ग्रुप किससे ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट है और किस ग्रुप का किससे कम माइनस आई इफेक्ट है, इस पूरे ट्रेंड को अपन याद कैसे रखें, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग टास्क होती है वो ये होती है। तो अपन याद करने के लिए अपने पास जो ट्रिक है वो आपकी स्क्रीन पे ये रही, ट्रिक क्या अपनी, निहार नेहा ने साइना के साथ ऑडी कार में हेलोजन और एल्कोहल लेकर एसी चलाकर एम्बेन मतलब पार्टी इधर किया, तो इस ट्रिक को अपन इन एग्जाम्पल या ग्रुप्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं। निहार से क्या हो गया, निहार दैट इज एन आर थ्री पॉजिटिव, नेहा दैट इज एन एच थ्री पॉजिटिव, ने से नाइट्रो ग्रुप, साइना से साइनाइड दैट इज सी एन, के साथ से कुछ नहीं, ऑडी से एल्डिहाइड एंड कीटोन, उससे कम आर में सॉरी कार से क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हैलोजन्स अपन ने देख लिया कि हैलोजन को कैसे अरेंज करेंगे, सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की सबसे हाई माइनस आई इफेक्ट होगा, उससे कम जिसका ईएन होगा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू पहले वाला दैट इज फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्या होगा कम होगा। तो इसको अपन ने देख लिया कि जब भी अपन एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, उसकी तरह डाउन द ग्रुप क्या होगा माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि अपन देख सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा एटम से, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो कम जल्दी मतलब कम एज कंपेयर टू इस एटम के या इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा दूसरे एटम से, समझ रहे हो। तो अपन ने इसको देख लिया हेलोजन, उसके बाद और से क्या हो गया ओ आर दैट इज ईथर, एल्कोहल से क्या हो गया OH, लेकर से कुछ नहीं, एसी से क्या हो गया एसिटाइलीन, चलाकर से कुछ नहीं, एम्बेन, एम्बेन मतलब क्या होता है एम्बेन, तो एम्बेन यहां पे क्या होता है एम्बेन होता है पार्टी, तो यहां पे एम से क्या हो गया अमाइन, बेन से क्या हो गया बेंजीन, इधर से क्या हो गया इथाइन, किया से कुछ नहीं। तो अपनी ट्रिक जो होगी अपन ने एग्जांपल्स में मैनिपुलेट करके देख ली, और अपन क्या देख सकते हैं ये जो पूरा माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है, मतलब इस एनआर थ्री पॉजिटिव की जो माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है इस पूरे सीरीज के अंदर जो अपन ने अरेंज कर रखी है। तो अपन बात करते हैं कि NR3 पॉजिटिव की सबसे हाई इलेक्ट्रॉन कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी किसके पास है अपने इथीन के पास। तो अगर अपन इस ट्रिक को 2-3 बार रिपीट करेंगे दैट इज निहार नेहा ने साइना के साथ ऑडी कार में हेलोजन और एल्कोहल लेकर एसी चलाकर एम्बेन इधर किया, अगर इस ट्रिक को अपन 2-3 बार बोलेंगे तो अपने को इजीली ये ट्रिक अपने माइंड के अंदर सेट हो जाएगी परमानेंट मेमोरी के अंदर, और अगर ये ट्रिक सेट हो गई तो अपन इस पूरे माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर चुटकियों में याद कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। तो अगर आपको माइनस आई इफेक्ट की सीरीज
ट्रिक्स से कैसे याद रखें। आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।